सपा सांसद आजम खान का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बार फिर से वो अप्रत्यक्ष तरीके से एक्ट्रेस और महिला राजनेता जया प्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए सुनवाते हैं आपको आखिर सपा नेता किस तरह बेतुकी भाषा की हदें पार कर रहे हैं। नहीं खोला, नाच घर खोला है। मैं लफ्ज खास तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं, जान रहे लोग ये लफ्ज कहां जाकर लग रहा है। जिस समाज में इस लफ्ज को मोहतरम मान लिया जाएगा, क्या तरक्की करेगा वो समाज और कैसे सर उठा के चलेगा। शरीफों की इज्जतें वो लोग उतारेंगे, लोग रास्ते बताएंगे। ऐसे लोग देवी देवता अपने आप को बनाएंगे। हमारे मरे हुए मां बाप 3 दिन तक टेलीविजन पर डिस्कस होंगे। देखा आपने अंजाम क्या हुआ, कितनी दौलत खर्च हुई, कितनी ताकत लगाई गई। कहते थे आजम खान जीत गया तो जड़ से नाक निकल जाएगी। अरे नाक नहीं जाने क्या क्या निकल गई। यहां हमने खुद कहते सुना कि पूरी भारतीय जनता पार्टी हार जाती लेकिन आजम खान नहीं जीतता, हमें खुशी। हम इतने बुरे सिर्फ इसलिए कि हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हम अपने बच्चों के हाथ में से जहालत का तौक लेकर उनके हाथ में कलम देना चाहते हैं। हम उन्हें कूड़ा करकट और कचरे का लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल किया जाता उससे हटाकर एक पाइसा जिंदगी देना चाहते हैं। जो लोग सिर्फ हमारे बच्चों से साइकिल के पंक्चर जोड़वाना चाहते हैं, मोटरसाइकिल से बनवाना चाहते हैं, अपनी कोठी बंगलियां बंगला बनवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो बच्चे भी कुर्सियों पर बैठे हों। खैर अब देखते हैं कि आजम खान के खिलाफ सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक्शन लेते हैं या फिर टालमटोल कर जाते हैं। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।